जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल है, पीस है, फर्स्ट क्लास है, पहले के मुकाबले में आज बहुत अच्छा माहौल है। बिफोर 370 और आफ्टर 370 क्या डिफरेंस है मेजर? 370 और 3500 के बारे में बताना चाहूँगा मैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट काम बहुत चल रहे हैं पहले के मुकाबले में। अब मैं वोट दूंगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मैं दूंगा सीधा बीजेपी को, क्योंकि दिल्ली में अभी वो बंदा नहीं दिखा जो वर्ल्ड लेवल पे एक, मतलब जैसे हम मोदी को देखते हैं उसका एक और है, जब वो जाते हैं कहीं पे तो आपने खुद देखा कितने लोग आजकल पैर छूते हैं क्या है, और उसके बाद इंडिया उनकी पॉपुलैरिटी देखिए सबसे पॉपुलर है। अलावा कोई विकल्प ही नहीं देश में। ऐसा क्यों, क्या 9 साल हो गए मोदी के? भाजपा ने जितना काम किया है इस सरकार में, इससे पहले कभी इतना काम कभी नहीं हुआ। नहीं, पत्थरबाजी तो आज की डेट में कोई नहीं, बहुत कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। और वहाँ पर अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है? डेवलपमेंट के काम बहुत लगे हैं, चल रहा है काम। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन किसका पलड़ा भारी है? एनडीए। ऐसा क्यों? गठबंधन पहले भी हुआ था 2019 में और हम सब ने देखा क्या हुआ था। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सीटों में गिरावट आई बीजेपी के लिए, लेकिन जीतेगी बीजेपी। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि ये क्लियर है, देखिए जो विपक्ष का गठबंधन है वो साफ तौर पर कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, जब सब आदमी एक आदमी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो या तो वो बहुत सही काम कर रहा होता है या सामने वाला गलत होता है, दो ही चीज़ होती है। और यहाँ पे हम देखें तो दोनों पार्टियों के प्लस पॉइंट और माइनस दोनों है। अभी हम G20 देखें तो उसमें मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ गलत भी किया। जैसे कि 900 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था लेकिन खर्चा हुआ 4000 करोड़ का, और वहीं पर हमारे पास चांस था कि जो चाइना ने मैप अपना रिलीज़ किया था जिसमें अरुणाचल को उसने अपना रीजन दिखाया था, उस पर हम लोग बात कर सकते थे। चाइना की प्रेजेंस नहीं थी तो हमारा सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हमें, लेकिन हम लोगों ने वो कुछ नहीं किया। हाँ, एक फ़ायदा हमने ये किया, चाइना के सीपैक पर लात मारी, हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए वो पास कराया, तो ये चीज़ का फ़ायदा हुआ G20 का। हाँ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकले, कुछ प्रोस थे, ये सब हर जगह हर पार्टी में होता है, लेकिन जितना भी देखे बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन अभी राहुल गांधी आपने देखा कुली बने थे आनंद विहार में, ट्रेन यात्रा भी कर चुके बिलासपुर से, भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, कह राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया है अब, ये नया वाला राहुल गांधी जो राहुल गांधी का क्रेज उन बंदों में बड़ा जो पप्पू है। सीधी बात, राहुल गांधी मैं कहता हूँ अगर दिल्ली में रखना है तो आम आदमी पार्टी, सेंट्रल में रखना है तो मेरा वोट जाएगा सीधा, डिप्लोमेटिक आंसर मेरा बीजेपी के लिए। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी देश के लिए बीजेपी से भी अच्छी है, लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी हमें वो बंदा नहीं दिखा है, वो इंटेलेक्चुअल है, आंसर अच्छे देखते हैं, काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली से हूँ, दिल्ली में मैंने जब वोट दिया तो मैंने दिया आम आदमी पार्टी को। अब मैं वोट दूंगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मैं दूंगा सीधा बीजेपी को, क्योंकि दिल्ली में अभी वो बंदा नहीं दिखा जो वर्ल्ड लेवल पे एक, मतलब जैसे हम मोदी को देखते हैं उसका एक और है, जब वो जाते हैं कहीं पे तो आपने खुद देखा कितने लोग आजकल पैर छूते हैं क्या है, और उसके बाद इंडिया उनकी पॉपुलैरिटी देखिए सबसे पॉपुलर है। तो उसके बाद आपने ये भी देखा, IMF का एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था हमने पॉवर्टी को क्या कहते हैं शायद अल्टीमेट क्या 1% से भी कम बचा है इंडिया के अंदर, तो वो हमने देखा कि भाई काफ़ी लोगों की ग्रोथ हुई है, लेकिन वहीं पे इससे कुछ डिमेरिट्स भी है। जैसे कि आजकल आम आदमी मिडिल क्लास आदमी अपना 30% टैक्स में ही दे देता है सैलरी का, ये भी डिमेरिट्स है, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। और हमने देखा है कि अभी यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो है बहुत मुश्किल हो रही है स्टार्टअप्स वगैरह। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी पास राजा है मोदी को लेकर, कहते हैं कि ये देश का भला नहीं कर सकते, देश गर्त में जा रहा है इनके राज में। देखिए, आदमी का वो बंदा जब से आप देखिए, मैं तो कहता हूँ जो फेस है वो मोदी जी है, सारा काम अमित शाह करते हैं, और अभी सबसे बड़ा हमारे लिए जीत पता है डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसीज़ में हुई है सबसे बड़ी जीत। क्योंकि आप एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स देखिए, उन्होंने यूरोप को लेके, वेस्टर्न कंट्रीज को लेके सबको लताड़ा है। अभी आप कनाडा का मुद्दा देख लिए, एक तरीके से आप अगर फॉरेन मीडिया देखेंगे, आपने कनाडा की न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें साफ साफ बोला है कि ये डिप्लोमेटिक विन है एक इंडिया की, क्योंकि प्रेशर जो है फाइव आइज कंट्री जो हम सुन रहे हैं कि उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको कनाडा को, वो लोग उन लोगों ने कहीं पर भी मैंशन इंडिया का नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हम लोग बस वरीड है, जबकि अमेरिका ने तो नाम तक नहीं लिया है। साफ तौर पर सामने खुल के नहीं आ पा रहे कि ये, क्योंकि अभी हमारा जो मतलब औहदा जो इंडिया का अभी जो प्रेजेंस है बहुत बढ़ चुका है, और इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा हो। ये मोदी ने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ उनकी गवर्नमेंट ने किया है। और अभी ये जो रेल हादसा हुआ था उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे अश्विनी जी को रिटा वो के रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। अभी नीतीश जी कह रहे थे जब वो रेल मंत्री थे तो उनके टाइम पे कुछ 556 एक्सीडेंट्स हुए थे रेलवे के, तो तब उन्होंने रिटायर किया था। अश्विनी कुमार की आप वो उनका वो देखिए, आप क्वालिफिकेशन देखिए, वो इतना पढ़े लिखे आदमी है उनके जैसा मतलब कोई है नहीं। और रेल यात्री वो ऐसा थोड़ी ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं,
जो भी काम था उसको सजा मिल रही है, उस पर वो केस चल रहा है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल कहने की ये विपक्ष का जो गठबंधन है इसमें भी शामिल है, सब मिलके कह रहे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को लेके बौखलाए हुए हैं। अच्छा। हाँ ये बात है, मोदी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ मतलब कर रही है गलत, हर गवर्नमेंट कर रही है, कोई सही नहीं है। मोदी गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे हिंदू मुसलमान बहुत होता है। लेकिन हाईकोर्ट जा रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री के लिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। देखिए संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस ज्ञान और वो नीति वो है मोदी जी, वो उनकी गवर्नमेंट में है। मोदी जी अकेले थोड़ी कुछ कर सकते हैं, अमित शाह हैं, उनके एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हम JNU को इतनी गाली देते हैं, निर्मला सीतारमन कहाँ से निकली है बताइए। तो वही है, एक आदमी का स्टेटस होता है, अपना दिमाग होता है, माइंडसेट होता है, उसके साथ अगर वो काम करे तो वो पक्का जीतेगा। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? अरविंद चौधरी। अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? अरविंद जी क्या, अरविंद जी भी बढ़िया ही लगते हैं, बढ़िया है। हाँ PM बन सकते हैं? PM के चांस नहीं है। राहुल गांधी के चांस है? नहीं। किसके चांस है? मोदी के अलावा कोई विकल्प? अलावा कोई विकल्प ही नहीं देश में। ऐसा क्यों, क्या 9 साल हो गए मोदी के? मोदी ने जितना काम किया है इस सरकार में, इससे पहले कभी इतना काम कभी नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ तो हम करके गए, नींव हम रख के गए, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात करें तो वो ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस का है, हर मुद्दे पे कह रही है कि नींव रखने वाले होते हैं लेकिन संभालने वाले उसको चाहिए जरूरी, वो मोदी जी। और मोदी जी संभाल रहे हैं, उससे बढ़िया संभालने का आज के टाइम में कोई नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है मोदी के 9 साल के राज में। कहने को तो कुछ भी मैं भी कह सकता हूँ, कोई फायदा नहीं उस चीज का। कहने को कोई कुछ भी कह सकता, आजाद है ये देश बोलने के लिए। तो ये 26 दलों का गठबंधन दावा कर रहा है कि हम उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी की विचारधारा को, इससे कुछ फायदा नहीं, बोलने से कुछ भी बोल सकते हैं वे। हाँ बाकी मोदी का जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा काम करने का तरीका और काम किया है, काम बोलता है, G20 में भी बोल रहा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर बोल रहा है, सड़कें देखो, हाईवे देखो, और जो काम किया है मोदी का वो काम देखो आप। लेकिन G20 में आपने भूपा जी को नाराज कर दिया, खड़गे साहब कह रहे कि आप सोने चांदी की बर्तनों में खाना खिला रहे हैं लेकिन देश में गरीबी आप छुपा रहे गरीबी, और वहाँ पे आप राजशाही अंदाज दिखा रहे हैं कि देखिए भारत तो देखो ऐसा है, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, मोदी का तोड़ इनके पास नहीं है, नहीं है। राहुल गांधी आजकल मैच्योरिटी बढ़ गई है उनमें, देखिए भारत जोड़ो यात्रा करी, आज कहीं ना कहीं आनंद विहार पर वो कूली बन रहे हैं, कभी करोल बाग में वो नट बोल्ट कसते दिखाई देते हैं, जनता के बीच में जा रहे, कह रहे कि देखिए जनता के बीच में जाएंगे तो उनकी समस्याएं समझ पाएंगे। जनता के बीच में जाने से समस्या का ये अगर हल करते हैं तो इनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर ये हल नहीं निकालेंगे आगे तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बोलने से नहीं होगा, काम करने से होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ से आप? जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पहली बार आए? यहाँ पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ 2-4 जगह में घूम के आया हूँ, अभी मैं जस्ट यहाँ इंडिया गेट आया हूँ, यहाँ का क्लाइमेट देखकर, यहाँ के लोगों का व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर में इस बार हम देख रहे हैं वहाँ भी बड़ी शांति बहाल है, वहाँ भी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भी टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत, वहाँ भी अच्छा माहौल लग रहा है, तो वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल है, पीस है, फर्स्ट क्लास है, पहले के मुकाबले में आज बहुत अच्छा माहौल है। बिफोर 370 और आफ्टर 370 क्या डिफरेंस है मेजर? 370 और 35 के बारे में बताना चाहूँगा मैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट काम बहुत चल रहे हैं पहले के मुकाबले में। पहले। अच्छा देखिए अभी लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं जिसमें ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, एक और यहाँ पर इंडिया गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी भी और तमाम अलग अलग नेता हैं, दूसरी ओर NDA गठबंधन है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार किसकी सरकार बन सकती है? देखो ये लोगों पे डिपेंड है, लोग किसको वोट सपोर्ट करेंगे, इस पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लोग देख रहे हैं कि काम मोदी जी के टाइम में अच्छा हुआ कि पुरानी सरकारों में अच्छा हुआ, लोग उसमें फ़र्क करके खुद ही वोट और सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर की फिजा में हम देख रहे हैं वहाँ पर अमन चैन तो कायम है, लग रहा है कि ये इन 9 सालों में हुआ है, इससे पहले भी ऐसा माहौल था? नहीं नहीं पहले भी था माहौल पुरामन था, लेकिन एका दुका था, लेकिन उसके मुकाबले में आज पीस ज़्यादा आया, ज़्यादा सुरक्षा का मुद्दा अगर देखिए वहाँ पर तो अभी ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा है जम्मू कश्मीर में? सुरक्षा तो पहले भी थी लेकिन आज थोड़ा सा कड़े इंतजाम है। ये बार बार आरोप लग रहे थे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी का माहौल था आर्मी पर वगैरह, वो घटनाएं अभी कम हो गई है? नहीं नहीं पत्थरबाजी तो आज की डेट में कोई नहीं, बहुत कम हुआ, बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल कम हुआ। और वहाँ पर अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है? डेवलपमेंट के काम बहुत लगे हैं, चल रहा है काम। अच्छा मोदी के बारे में देखिए एक हिंदुस्तान की जनता और तमाम बात करें तो अभी एक क्रेज बना हुआ है, राहुल गांधी भी लगातार अभी आक्रामक हो रहे हैं, लग रहा है राहुल गांधी का क्रेज ज़्यादा बड़ा है या मोदी का ज़्यादा क्रेज है? इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन
लोग इसका फैसला करेंगे आने वाले चुनाव में किसको सपोर्ट और सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए थे, वहाँ भी देखा कि काफ़ी उनका सम्मान किया गया, तिरंगा यात्रा की गई थी वहाँ पर। लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी का कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ा है, कुछ और राहुल गांधी डेवलप हो गए हैं, पॉलिटिकली मैच्योर हो गए या नहीं? पहले से मुकाबले में वो आज ज़्यादा मैच्योर हो गए राहुल जी। तो लग रहा है कि अब वो चैलेंज है मोदी के लिए? वो तो जब चुनाव होता है तो चुनाव में तो चैलेंज है ही दोनों पार्टियों का, फिर लोग जिसको सपोर्ट करेंगे, जिसको ज़्यादा सपोर्ट होगा तो वही तो चुनाव लड़के जीत। लग क्या रहा है मोटा मोटी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, पलड़ा किसका भारी है, क्या लग रहा है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मुझे लगता है जो आज गठबंधन नया बना है जी, उसके मुकाबले में और मोदी जी को इस बार ज़्यादा टक्कर होगी। अच्छा, एक महिला के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, बार बार ये भाजपा पर आरोप लगते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, महिलाएं असुरक्षित है बीजेपी के राज में और मोदी के राज में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके ऊपर जो भी कुछ होता है ये लोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते और मीडिया भी इस चीज़ को गोल कर देता है। तो मैं आप कह रहे कि विपक्ष का ये जो मजबूत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी सॉलिड उनका अटैक हो सकता है और होना भी चाहिए, बिकॉज स्त्री शक्ति को आप एक तरफ तो कहते हो, मातृशक्ति को हम इतना बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर आप ऐसे ये कह रहे हो कि उनका मुद्दा बिल्कुल ही नहीं उठा रहे हो, तो दैट्स नॉट फेयर ना। क्या कहना चाह रहे थे? अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट महिला सुरक्षित है, तो अभी आपने देखा बाबा के सरकार में यूपी में जो उस औरत का दुपट्टा खींच के भागे जो सड़क पे गिर के मर गई, अभी कल परसों की न्यूज़ है, उन तीनों को धड़ा गया, टांग में गोली मार दी गई। बाबा का राज है, बाबा अगर दिल्ली प्राइम मिनिस्टर बन गए तो लोग कह रहे कि क्या कहते हैं, देश 200 साल पीछे चले गया, त्रेता युग आ जाएगा। अभी तो मोदी है, बाबा आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी कह रहे देखिए मोदी रहेंगे, मेरे को लगता है वो 3 साल के अंदर अंदर फिर रिटायर होंगे, उसके बाद मेरे हिसाब से अमित शाह या योगी आदित्यनाथ बनेंगे। वैसे अगर मैं कहूँगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं कहूँगा एस जयशंकर को बनाना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? देखिए सुरक्षा आप ये नहीं कह सकते, हर प्रदेश में कुछ ना कुछ है, जैसे हमने हाथरस देखा, वहाँ पे यूपी में भी कुछ गलत काम हुए, सब जगह हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, राजस्थान में हुए हैं, जबकि अब विपक्ष का काम क्या कि वो हाईलाइट करती है उन स्टेट्स को जहाँ पे बीजेपी पावर में है, जैसे अब मणिपुर में देख लीजिए अभी जो हुआ, सब मणिपुर में कूदे, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं कूदा, अभी जबकि राजस्थान के एक सांसद ने पार्लियामेंट के अपने राजस्थान के पार्लियामेंट एक बयान दिया था, उसको वहाँ से हाँ उनको निकाल दिया गया है कि नहीं निकाल दिया गया। तो ये वही है कि भैया दूसरों पर कीचड़ उठा लो अपने ऊपर नहीं।